الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا نبيا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أما بعد فأعوذ بالله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبيكم إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت طيبا وطاهرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وأحسن منك لم ترقدت عيني وأحسن منك لم ترقدت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وضم إله اسم النبي باسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد حضور آئے تو سر آفرینش آ گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا تجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا میری انتہائی قابل احترام واجب التکریم علماء کرام حضرت مولانا مفتی قاضی شفیق الرحمان صاحب دامت برکات مرالیہ حضرت مولانا قاضی خلیل الرحمان صاحب دامت برکات مرالیہ حضرت مولانا مفتی لطیف صاحب و دیگر رحیم یار خان کے معزز و محترم مشائخ اعظم علماء کرام
मैं इंतहाई तहे दिल से आप हजरात का मशकूर हूँ कि आपने सीरत काउंसिल के इन सारे नौजवानों के साथ कदम से कदम मिलाया और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर खिराज तहसीन पेश करने के लिए इतनी खूबसूरत महफिल का अहतमाम फरमाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इन काविशों को मकबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। मेरे भाइयों, मुझसे बेशतर मेरी इस सीरत कौंसल के रूह रवा अल्लामा शफ़कतुर रहमान ने सीरत कौंसल की गज़ो गायत आप हज़रात के सामने रखी। मैं आगे बढ़ के सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से इस बात की भीख मांगता हूँ कि हमारी इस सदा को, हमारी इस आवाज को आप गौर से इस पे गौर कीजिए और रबी अव्वल के मौके पर खुसूसन और पूरे साल के अंदर उमूमन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप यकजान हो जाएं, आप एक मुट्ठी की तरह बन जाएं, डेढ़ ईंट की अपनी मस्जिद न बनाएं, बल्कि भरपूर अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद मकतबे फिक्र के हवाले से हमें एक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़ा करके आप कहें हमें एक होना चाहिए। मेरे भाइयों, सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से आज हमारा ये सातवां प्रोग्राम है और हम थकन से चूर चूर हैं। हमारा बदन हमारा साथ नहीं दे रहा। दिन रात सफर करके ये मेरा काफिला आगे बढ़ रहा है। शाम से आप हमारे काफिले के दोस्तों को सुन रहे हैं कि वो नबी की सीरत को कैसे बयान करते हैं, वो नबी की सूरत को कैसे बयान करते हैं, ये आप सुन रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुल्क के मायानाज सियासतदान अभी आपके सामने जलवा अफरोज़ होने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं इतने अजीम लीडर और आपके सामने ज्यादा देर हायल रहूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रबीउल अव्वल का महीना आपको ये सदा दे रहा है, आपको ये पैगाम दे रहा है, आपको पुकार पुकार के कह रहा था। रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसी बहार थी, वो ऐसी बहार थी, वो ऐसी बहार थी कि कायनात के पैदा होने से पहले से लेके आज तक न ऐसी बहार आई न कभी आएगी। बहुत कंजूस हैं आप। सुभान अल्लाह कहने का कितने पैसे लगते हैं? इलाका सुभान अल्लाह कहने का आपको कोई दिल नहीं आएगा। फिर सुन लो, महमूदी आपको बताना चाहता है कि आप एक दफा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कहें, आप एक दफा उल्फत के साथ सुभान अल्लाह कहें। रब्बे जलाल की कसम उठा के कहता हूँ, ये उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह इसकी जन्नत में अपनी बनाई हुई इसके लिए जन्नत में एक बाग लगाते हैं, एक दरख्त लगाते हैं कि अरबी रसम का तेज रफ्तार दौड़ने वाला घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे, इस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। जाके बैठे इंशाल्लाह जल्दी आपकी जान छोड़ देंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पिछले साल बहुत से दोस्तों ने मेरी तकरीर को सुना होगा। मैंने जहां पिछले साल इख्तिताम किया था, आज मैं फिर वहां से आगाज करता हूं। मैं विलादत पे चला था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और विलादत को बयान करना अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये ऐन इबादत है, सवाब का काम है। लेकिन विलादत के साथ साथ मेरे नबी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू है। मेरी नबी का बचपन है, मेरे नबी का लड़कपन है, मेरे नबी की जवानी है, मेरे नबी की, मेरे नबी का आमद वही है, मेरे नबी के वही के बाद ऐलान सब को सदाकत है। फरान की चोटियों से जब ये सूरज तुलू हुआ, फरान की चोटियों से जब ये सूरज बुलंद हुआ और लोगों से कह दिया कि कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, इस नारा मस्ताना के बाद फिर इस नबूवत के ऊपर दुखों का दौर आया, तकलीफों का दौर आया, इस नबूवत को धरा गया, नबी की जिंदगी का
کے تین سال گزرے یہ بھی نبی کی سیرت کا دور ہے طائف کی وادیوں میں میرے محبوب کو پیٹا گیا یہ بھی نبوت کا ایک دور ہے میرے بھائیوں پھر ہجرت میں مجبور کر دیا گیا یہ بھی نبی کی زندگی کا ایک دور ہے پھر غار خار کے اندر میرے نبی تین دن رہے یہ بھی ایک دور ہے اس کے بعد آگے بڑھے میرے محبوب کی مدینہ کی زندگی یہ بھی ایک دور ہے مسجد نبوی کی تعمیر یہ بھی ایک دور ہے پھر آگے بڑھتے ہیں میرے نبی کی بدر کی زندگی یہ بھی ایک دور ہے اور کی زندگی یہ بھی ایک دور ہے تمہیں ایک ولادت کی یاد ہے ایک ولادت وہ بڑی عظیم ولادت ہے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ یہ پھول کھلنے کے لیے تیار ہوا جب وہ وقت آیا کہ یہ آفتاب چمکنے کے لیے ابھرنے والا تھا اب کائنات کا سراج منیر قرآن کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کائنات کے لوگوں دنیا کا سراج منیر آ رہا ہے اماں کہتی ہیں گھر میں دیا جانے کے لیے تیل نہیں ہے ہائے بات طویل ہو جائے گی مختصراً کہتا ہوں وہاں پہ ایک عورت موجود تھی جس کا نام فاطمہ بنت عبداللہ تھا تفصیل کے اندر جانے کا وقت نہیں ہے مہمان آ رہے ہیں میرے بھائیو فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہے کہ جب یہ کائنات کا سراج منیر آیا جب یہ کائنات کا اولو العزم پیغمبر آیا جب اس کی ولادت ہوئی پہلے کے واقعات پچھلے سال میں نے بیان کیے تھے کہ سیدہ آمنہ نے آپ کے حمل کے دوران کون کون سے واقعات دیکھے اب اس ولادت کے بعد کیا ہوا حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہے کہ جب یہ سراج منیر طلوع ہوا آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے ہمارے قدموں میں آ گئے اور ایک روشنی پھیلی جو شام تک چلی گئی پھر شام سے پلٹی مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک اس روشنی نے پوری کائنات کو منور کر دیا ارے میں تو مانتا ہوں یہ کائنات کا سراج منیر ہے میں تو مانتا ہوں کہ اس جیسی نبوت کسی کو نہیں دی گئی میں تو مانتا ہوں اس جیسا رسول کوئی نہیں آیا میں تو مانتا ہوں اس جیسا نبی کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوا ارے میں تو مانتا ہوں کہ اس جیسی نبوت کسی کے سر پہ نہیں سجائی گئی اس لیے کہ میرے محبوب کہتے ہیں انا اول الانبیاء میں انبیاء کے اندر پہلا بھی ہوں آخر الانبیاء میں انبیاء کے اندر آخر بھی ہوں کنت نبی شم و آدم بین الماء و حمیم میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس نبی کی سیرت کو میں کیا بیان کروں گا میری حیثیت کیا ہے کیا پیتی کیا پیتی کا شوربہ لیکن وہ اس مالک کی مہربانی ہے اس مالک کا ہم پہ احسان ہے کہ ان صالح نوجوانوں کو اس نے اس طرف لگا دیا کہو آمین میرے بھائیو میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اتنا گہرا سمندر ہے ایک اتنا موجزن دریا ہے ایک اتنی عظیم سیرت ہے میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں آسمان کی بلندیاں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن جب محبوب کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو آسمان کی بلندیاں بستیوں کے اندر بدل جاتی ہے میں صحراؤں کو دیکھتا ہوں صحراؤں کی وسعتیں مجھے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن جب میں محبوب کی سیرت کی وسعتوں کو دیکھتا ہوں وہ صحراؤں کی وسعتیں سمٹ کے میرے محبوب کے قدموں میں آ جاتی ہوں میں جب پتھروں کو دیکھتا ہوں پتھر پہاڑ بڑے بلند ہے لیکن جب محبوب کی سیرت کی بلندی کو دیکھتا ہوں تو پہاڑ اس کے سامنے بونی نظر آتے ہیں میرے بھائیو کائنات کے پھولوں کو دیکھتا ہوں تو پھول ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تبسم اس محبوب کی وجہ سے ملا ہے سبحان اللہ کو غور سے کر رہے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں میرے بھائیو میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی دادا تشریف لائے آپ یتیم پیدا ہوئے دنیا جانتی ہے اور قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوى اللہ تو نے اس محبوب کو یتیم بنایا اتنا اولو العزم پیغمبر ہے کائنات کا لاڈلا پیغمبر ہے مقصود کائنات ہے اللہ تو نے اس محبوب کو یتیم بنا دیا باپ کا سایہ
الامجد کا یتیم انصاب کائنات والو میں نے اس محبوب کو یتیم کا پیدا کیا ہے لیکن یتیم پیدا کر کے میں نے درہ یتیم بنایا ہے درہ یتیم بنا کے میں نے پوری کائنات کا آسان بنا دیا ہے آج پوری کائنات ذل خار مصطفیٰ ہے میرے بھائیو یہ سورج کیوں نہ ہوتا دنیا میں اندھیرے رہتے یہ سورج کیوں نہ ہوتا کائنات کو روشنی ملتی یہ سورج کیوں نہ ہوتا آسمان کو بلندیاں ملتی یہ سورج کیوں نہ ہوتا زمین کو پستیاں ملتی یہ سورج کیوں نہ ہوتا انسانوں کو انسانیت ملتی یہ سورج کیوں نہ ہوتا حیوانوں کو حیوانیت ملتی یہ سورج کیوں نہ ہوتا شیروں کو کھانا ملتا یہ سورج کیوں نہ ہوتا آپ چاروں کو پہننا نہ سکھایا جاتا یہ سورج کیوں نہ ہوتا سمندروں کو جوش نہ ملتا یہ سورج کیوں نہ ہوتا دریاؤں کو بہاؤ نہ ملتا یہ سارا کچھ اسی محبوب مکرم محترم محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو میرے بھائیو میں صرف کیا بیان کروں گا وہ خلاق اعظم جو دنیا کا رب ہے اس نے یہ فیصلہ کر دیا کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اس محبوب کی سیرت پہلے ہے کائنات ابھی نہیں بنی تھی محبوب کی سیرت کے تذکرے آسمانوں پہ کیے گئے محبوب کی سیرت کے تذکرے زمینوں پہ کیے گئے محبوب کی سیرت کے تذکرے انبیاء کے اندر کیے گئے اس محبوب کی سیرت کے تذکروں کو عالم کے اندر پھیلا دیا گیا اور اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مولانا مراد احسن گیلانی اپنی یہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں ارے میں کیا کروں بہت سے آئے آدم بھی آیا جانے کے لیے نوح بھی آیا 9.5 سال توحید کی نوکری کی چلا گیا موسیٰ بھی آیا اللہ کی زبانی کرتا رہا کسی دوسرے کو نبوت دے کے وہ چلا گیا عیسیٰ بھی آیا وہ بھی چلا گیا کائنات میں جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا قربان جاؤں مصطفیٰ تیری عظمت میں تو آنے کے لیے آیا جب تو آیا جب وہ آیا تو وہ آنے کے لیے آیا ایسا آیا کہ آتا چلا گیا ایسا بڑھا کہ بڑھتا چلا گیا ایسا چمکا کہ چمکتا چلا گیا ایسا پھیلا کہ پھیلتا چلا گیا ایسا ابھرا کہ ابھرتا چلا گیا آج پوری کائنات وہ جو فرعون کی چوٹیوں سے ایک سورج طلوع ہوا تھا کائنات کے لوگوں نے اس سورج کو بجھانے کے لیے اس نور کو مٹانے کے لیے اتنے جتن کیے اتنے ترلے کیے اتنے واسطے کیے لیکن میرے اللہ نے اعلان کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون کائنات کے لوگوں دشمن بجھانا چاہتا ہے وہ چمکانا چاہتا ہے آپ مانتے ہیں کہ زور سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں بھائیو میرے دوستو اللہ کا یہ اعلان تھا اللہ کہتے ہیں میں کروں تو میں کر اللہ ابو جہل بتانے کی کوشش کرتا رہا بمکر اللہ کائنات کا خلاق اعظم اس نور کو ابھارنے کی کوشش کرتا رہا دنیا کا ابو جہل اس نور کو مٹانے کی تھکو دوڑ کے اندر رہا بمکر اللہ اللہ ایسی تدبیریں کرتا رہا کہ اس نور کو بڑھایا جائے واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ کہتے ہیں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے پورا کفر ایک طرف ہو جائے پوری کائنات کے خبیث ایک طرف جمع ہو جائے اور وہ میرے اس نور کو مٹانے کی کوشش کرے واللہ متم نورہ اللہ کہتے ہیں ہم اس نور کو مکمل کریں گے ایسا مکمل کریں گے کہ پوری کائنات میں چھا جائے گا چھایا کی چھایا اللہ نے فیصلہ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی تو بہت سے آئے 1,24,40,000 آئے اپنے اپنے اوقات کے اندر آئے اپنی اپنی بستیوں کے اندر آئے اپنے اپنے زمانوں کے اندر آئے اپنے اپنے ادوار کے اندر آئے اپنے اپنے شہروں کے اندر آئے اپنے اپنے دین کے ساتھ آئے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ آئے اپنے اپنے ماحول کے ساتھ آئے وہ اللہ کے لیے لڑتے رہے وہ اللہ کے لیے زبا ہوتے رہے وہ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہے لیکن میرے بھائیو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے محبوب نے میرے محبوب کے لیے اللہ نے یہ اعلان کر کے کہ میرے محبوب وما ارسلناک
जबकि आलमीन कायनात के अंदर जितने आलम है सबका तू नबी है। वो पत्थरों का भी नबी है। नहीं देखा उलमा मौजूद है, अल्लामा साहब अबू जहल आया, मेरे हाथ में क्या है? मेरे महबूब ने कहा मैं बताऊं ये वो बताए जो तेरे हाथ में है। परेशान हो गया, वो पत्थर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन पत्थरों के अंदर जान नहीं थी, उन पत्थरों के अंदर रूह नहीं थी। एक पत्थर की बात नहीं करता, सय्यदा आमना कहती है, पिछले साल मैंने बताया था, मुझे याद है कि मैं इस महबूब को अपने वतन में लेके जब काबतुल्लाह के शहर के अंदर में निकलती थी तो दरख्त झुके ताजीम किया करते थे और पत्थर रेशम बन के मेरे पाओ को चूम लिया करते थे। आगे बढ़ता हूँ, आपने दबा से वो वाकया सुना होगा कि मेरे महबूब मस्जिद के अंदर एक लकड़ी के साथ टेक लगा के खुतबा जुमा इरशाद फरमाया करते थे। अरे वो जब लकड़ी किताब हुई तो रिवायात मुझे ये बताती हैं, अहादीस और सीरत की किताबों में मौजूद है, हजरत मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब मौजूद है कि वो लकड़ी बिलक बिलक के रोई, वो लकड़ी सितक सितक के रोई। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नबातात का भी नबी है, ये जमादात का भी नबी है, ये हशरात का भी नबी है, ये पहाड़ों का भी नबी है, ये सितारों का भी नबी है, ये जन्नत का भी नबी है, ये दोजख का भी नबी है, ये आसमान के रब का नबी है, ये अर्श का नबी है, ये फर्श का नबी है, ये दरियाओं का नबी है। मेरे भाइयों ये आलमीन का नबी है, ये नबियों का नबी है, ये इमाम अल-अंबिया की है, खतीब अल-अंबिया की है। ऐसा है कि नहीं? मांगा किसने था? मेरे अल्लामा ने बताया कि इब्राहिम ने सारे इम्तिहान पास करके अल्लाह की कायनात में एक ही हीरा था और वो अल्लाह से मांग लिया, रब्बना बबास फीहिम रसूला। मेरे भाइयों एक अल्लाह ने सीरत कॉन्फ्रेंस करना कि अल्लाह की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। मैं आपको बताता हूँ, परेशान ना हो जाओ, मेरी गुफ्तगू की कोई बात ना किसी किस्से पे मुंतज होगी और ना ही कुरान और हदीस से बाहर निकलूंगा। अल्लाह ने पूरी आलम अरबा के अंदर पूरे अंबिया को जमा फरमाया और क्या कहा है कि हाफिज पढ़े अखद अल्लाह बड़े खड़ा होके अल्लाह ने अंबिया को जमा करके एक सीरत कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया। वहां पे सामीन अंबिया थे, खतीब खुद खुदा था, तारीफ मुस्तफा हो रही थी। मानते कि नहीं मानते? मौलवी आपको नहीं बताएंगे, वो कहेंगे बस विरासत की बात कर लो हलवे मिलेंगे, विरासत की बात कर लो हलवा मिलेगा, नुक्ती मटर मिलेंगे और हमें सबज झंडियां मिलेंगी, बाजारों को सजाएंगे। अगर वो सीरत की बात करेंगे तो नबूवत की तौहीद की पादाश में बहने वाला खून वो बहाना पड़ेगा, तौहीद की दावत की पादाश में हमें परेशान होना पड़ेगा, नबूवत की तरह जिहाद के अंदर निकल के अपने दंदारे मुबारक को शहीद कराना पड़ेगा। इसलिए वो सब पगड़ी पहनने वाला मौलवी वो ये नहीं चाहता कि वो जिहाद के अंदर जाए, वो ये नहीं चाहता कि वो तबलीग के अंदर जाए, वो ये नहीं चाहता कि रिसालत का प्रचार करे, वो ये नहीं चाहता कि नबूवत की सीरत सामने आए, वो ये नहीं चाहता कि नबूवत की सूरत सामने आए, वो ये नहीं चाहता कि नबूवत का पैगाम सामने आए, वो ये नहीं चाहता कि नबूवत का कुरान सामने आए, वो ये नहीं चाहता कि नबूवत का जिहाद सामने आए, वो ये नहीं चाहता कि तौहीद सामने आए। एक ही मानो है कि सज्जे रहे गलियां बाजार। अरे गलियां बाजार सजने से क्या होगा, वो तो मक्का वालों ने भी सजाई थी। आपने नहीं सुना एक लौंडी ने जाके अबू लहब को बताया कि अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ। उनको ये तो मालूम नहीं था कि ये बेटा बड़ा होके क्या करने वाला है। मेरे भाइयों उसने उस लौंडी को आजाद किया, हलवे की जगह तकसीम की। लेकिन मेरे भाइयों मुझे आगे बढ़ने दो, जिन लोगों ने विलादत की खुशियां मनाई, कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहब वतब। मैं नहीं कहता, अपनी जुबान से नहीं कहूंगा, ये वही अबू लहब है जिसने सऊदीया को आजाद किया था, ये वही अबू लहब है जिसने विलादत की खुशी में खुशियां मनाई थी,
ये वही अबू लहब है जिसने विलादत की खुशी में जो झूम उठा था, ये वही अबू लहब है जो विलादत की खुशियां मना रहा था, लेकिन जब फरान की चोटियों से मेरे महबूब ने ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सुनाई तो यही पहला शख्स था जिसने पत्थर उठाया और ये कहा तब्बन लक या मोहम्मद अली हाजा जमा तरा मोहम्मद अलायातु बिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक हो। अबू लहब ने कहा मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए, तूने हमें इसलिए बनाया था। आसमान हरकत में आया, रब्बे जुल जलाल ने कहा तीसवा पारा उठाओ, तब्बत यदा अबी लहब वतब, मां मेरे महबूब जो आपको बुरा कहते हैं उनके हाथ टूट चुके हैं। तब्बत यदा अबी लहब वतब मां अगना अनु मानहु मां कसब। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको आलमीन का नबी बना के, इसको नबियों का नबी बना के, इसको कायनात वालों का नबी बना के, इसको बना संवार के, इसको हसीन बना के, इसको आला बना के, इसको आला किताब दे के, जब मैं देखता हूँ तो मुझे नजर आता है अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जत अता फरमाई, वो इज्जतों से आला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मर्तबा अता फरमाया, वो मर्तबों से आला। अल्लाह ने अपने नबी को नबूवत अता फरमाई, वो नबूवतों से आला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान दिया, पूरी कायनात की किताबों से आला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अखलाक अता फरमाए, कायनात के चांद तारों से आला, और अल्लाह खुद महबूब बना सुभान रब्बी अला। ऐसे है कि नहीं? लौला खलकतु कमा खलकतु अफलाक वल अर्ज़ीन, ये मैं नहीं कहता, कायनात का रब कहता है। महबूब अगर तुझे पैदा ना करना होता, लौला खलकतु का तेरी तखलीक मकसूद ना होती, लौला खलकतु का तुझे नबूवत का ताज पहनाना ना होता, लौला खलकतु का तेरे ऊपर कुरान की आयात को नाज़िल ना करना होता, लौला खलकतु का तुझे तौहीद की पादाश में ताइफ के बाजारों में तुझे मारे खिलाना ना होता, लौला खलकतु का महबूब तौहीद के दीप तेरे जरिए जलाने ना होते। मां खलकतुल अफलाक वल अर्ज़ीन, वे जुमले पे तवज्जो करना, ये जुमला मेरा नहीं है, उलमा मौजूद है, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह के आदम फरमाते हैं मां खलकतुल अफलाक वल अर्ज़ीन, मैं आसमान को बुलंदियां ना देता, जमीन को पस्तियां ना देता। सुभान अल्लाह, भूल गए। सुभान अल्लाह। फिर ऐसे नबी से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा साथ हैं, उलमा मौजूद हैं, मेरे महबूब मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, रास्ते में ढोल की आवाज आई तो कायनात के लाडले पैगंबर ने अपनी उंगलियां मुबारक अपने कान के अंदर डाल ली। चलते रहे चलते रहे। अबू हुरैरा से पूछा के बताओ ढोल की आवाज आ रही है? अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह अभी तो वो आवाज खत्म हो गई, तो मेरे महबूब ने अपने कान मुबारक से वो उंगलियां बाहर निकाली। मेरे भाइयों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस नबी के यौम विलादत पे, उस नबी के यौम विलादत पे ढोल पीटना, रक्स करना, झूमर डालना, ये कहाँ का इश्क है? नबी की रूह को तुमने रोजे के अंदर तड़पा दिया। आगे बढ़ के एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इज़ा जा अनसुल्लाहि वल फतह, ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया। अब इस नबी को जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो मकसद पूरा हुआ। 23 साल जिंदगी में इस्लाम अरब से निकला, अजम तक पहुंचा, पहले मदीना, पहले मक्का, फिर मदीना, फिर अरब, शाम, इराक, ये इस्लाम बढ़ता चला गया। फिर अल्लाह की तरफ से पुकार आई, इज़ा जा अनसुल्लाहि वल फतह, यही रबीउल अव्वल का महीना था। तारीख लिखती है कि 571 ईस्वी में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कायनात में तशरीफ लाए, एक रिवायत 4 रबीउल अव्वल, दूसरी रिवायत 5 रबीउल अव्वल, तीसरी रिवायत 7 रबीउल अव्वल, चौथी रिवायत 9 रबीउल अव्वल, पांचवी रिवायत 11 रबीउल अव्वल, छठी रिवायत 12 रबीउल अव्वल। तो मेरे भाइयों विलादत के अंदर इख्तलाफ है, लेकिन कायनात के मुअर्रिखीन ने कैलेंडर के जरिए इस बात को वाज़ह किया है कि नबूवत का यौम विलादत 9 रबीउल अव्वल है। लेकिन जब ये दीन पूरा हुआ, जब ये दीन मुकम्मल हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, जब
बात पे किसी का इख्तलाफ नहीं है। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि कायनात में कोई एक मुअर्रिख भी ऐसा नहीं है जिसने यौम वफात को 12 रबीउल अव्वल से आगे या 12 रबीउल अव्वल से पहला कहा हो। उम्मत इस बात पे मुत्तफिक है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जौम या 12 रबीउल अव्वल को ही, लेकिन उम्मत का इस बात पे इत्तेफाक मौजूद है कि आका का सानिया इत्तेहाल 12 रबीउल अव्वल को पेश आया। आओ रहीम यार खान के दोस्तों, तसव्वुर की दुनिया में मेरे साथ जरा मदीना की गलियों में चलो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उम्मत के उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो मेरे महबूब के यौम विलादत पे ढोल पीटते हैं, मेरे महबूब के यौम विलादत पे सराहना करते हैं, मेरे महबूब के यौम विलादत पे या यौम वफात पे वो रक्त और सुरूर की महफिल सजाते हैं। आओ मैं मदीना की गलियों में लिए चलता हूँ। 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन था, महबूब को पैगाम अजल आया, महबूब के लिए अल्लाह की तरफ से बुलावा आया और महबूब ने इस वादे पे लबैक कहा। अपने जान को जाने आखिरी के सपोर्ट करके महबूब ने दाई अजल पर लबैक कहा। अब मदीना में क्या है ये आपको बताना चाहता हूँ। ऐलान हुआ कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के रुसत हो गए। तवज्जो मेरी तरफ रही, मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऐलान हुआ कि महबूब दुनिया से चले गए। रहीम यार खान वालों, मुझे बताओ अगर आपके किसी घर में मैयत हो जाए, किसी का वालिद फौत हो जाए, किसी की वालदा फौत हो जाए, किसी की बहन फौत हो जाए, किसी का भाई फौत हो जाए, उस पर कितना सदमा आता है। अरे मदीना वालों के लिए तो जिंदगी भी वही थी, मदीना वालों के लिए तो मरना भी वही था, मदीना वालों के लिए तो रोशनी भी यही थी, मदीना वालों के लिए तो उजाला भी यही था, मदीना वालों के लिए तो कुरान भी यही था, मदीना वालों के लिए तो वही भी यही थी, मदीना वालों के लिए तो मुदर्रिस यही था, मदीना वालों के लिए तो मुफक्कर भी यही था, मदीना वालों के लिए तो गमखार भी यही था, मदीना वालों के लिए जनरल भी वही था, मदीना वालों के लिए चीफ जस्टिस भी यही था, मदीना वालों के लिए खतीब भी यही था, मदीना वालों के लिए निकाह खान भी यही था, मदीना वालों के दुख बांटने वाला भी यही था। अरे वो न रहा तो क्या होगा। मस्जिद नबी के अंदर हजरत उस्मान उस कोने में बैठे हुए रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सब कह रजी अल्लाह तआला ने अपनी तलवार को बयान से निकाला, मस्जिद नबी के एक कोने से वहां जाते हैं, वहां से फिर वापस आते हैं और ये कहते हैं खबरदार अगर किसी ने जुबान से इस बात को निकाला कि मेरा महबूब दुनिया से रुखसत हुआ तो अपनी इस तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। फर्ते गम के अंदर डूबे हुए अब आगे चलिए। वो बेटी जो कायनात की सबसे लाडली बेटी है, अरे वो बेटी जो खातून जन्नत है, वो बेटी जिसको सैयदतुन निसा अहलिल जन्नत जन्नत के औरतों की सरदार का लकब दिया गया, वो बेटी जिसके लिए मेरे महबूब ने कहा अल फातिमतु रिजातुन मिन्नी, कायनात के लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे वो बेटी जो घर आती मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते, वो बेटी जिसके लिए मेरे मुस्तफा इस्तकबाल के लिए दरवाजे तक आते, वो बेटी खड़े होते मेरे मुस्तफा जिसका चेहरा चूम लेते। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जब इस बेटी को बताया गया कि बाबा दुनिया से चले गए तो उस बेटी ने क्या कहा, या अबता अजाब रब्बन दा, ऐ मेरे लाडले बाप, ऐ मेरी कायनात, ऐ मेरे सब कुछ, अजाब रब्बन दा, आज आपने अल्लाह की दावत पे लबैक कह लिया है। मदीना की गलियों में चलाना नहीं था, मदीना की गलियों में कोहराम मचा हुआ था। या अबता जन्नतुल फिरदौस मावा, ऐ मेरे हसीन बाप, ऐ मेरे चांद के टुकड़े बाप, जन्नतुल फिरदौस मावा, और आपका जाना जन्नत को सजाना। और ये कहा या अबता जिब्रील ना, हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। और ये कहा कायनात की उस लाडली बेटी ने, जरा गौर की दुनिया में, तसव्वुर की दुनिया में, उलमा से कहता हूँ मेरे साथ आ जाओ, अवाम को कहता हूँ मेरे साथ आ जाओ, जश्न मनाने वालों मेरे साथ आ जाओ, अल्लाह के महबूब के यौम वफात पे झंडियां लहराने वालों शर्म कर लो, अल्लाह के महबूब के यौम वफात पे
का ये शेर हदीस और तफसीर की किताबों के अंदर मौजूद है। उस फातिमा ने कहा सुब्बत अलैया मसाइक लव अन्हा, कायनात के लोगों आज मुझ पे जो गमों के पहाड़ टूटे हैं, आज मेरा दिल गमों से लर्जा लर्जा है, आज मेरा दिल फटा जा रहा है। सुब्बत अलैया मसाइक लव अन्हा, ये मुसीबतें अगर पहाड़ों पे डाली जाती रहता रहता हो जाते हैं। समझ नहीं आ रही आपको, मुझे लगता है आ रही है समझ। सुब्बत आ रही है मसाई बोलो अल्लाहा, दुनिया वालों आज मदीने में अंधेरा हो गया। सुब्बत आ रही है मसाई बोलो अल्लाहा, दुनिया वालों आज दुनिया तारीख हो गई। सुब्बत आ रही है मसाई बोलो अल्लाहा, दुनिया वालों आज रोशन चिराग बुझ गया। सुब्बत आ रही है मसाई बोलो अल्लाहा, आज मस्जिद नबी में खड़ा होते कुरान पढ़ने वाला दाई अजर को लबैक कह गया। सुब्बत आ रही है मसाई बोलो अल्लाहा, ये मुसीबतें अगर तुम दुनिया में दिलों में डाल दो बरात बन जाएंगे। अगर हजरत फातिमा आशिक है, अगर फातिमा बेटी है, अगर फातिमा जिगर का टुकड़ा है, अगर फातिमा खातून जन्नत है, अगर फातिमा हसनैन की मामा है, अगर फातिमा अली की जौजा है, अगर फातिमा कायनात की सबसे मासूम तरीन औरत है, अगर फातिमा महबूब की सबसे लाडली बेटी है, अगर फातिमा सबसे करीब है, तो हजरत फातिमा ने मदीना तैयबा के अंदर झंडे क्यों नहीं लहराए? ये इस सवाल का जवाब तो दो मुझे। दुनिया में कोई इंसान खड़ा होके मुझे ये बता दे कि 12 रबीउल अव्वल को नबी के यौम वफात पे, नबी के यौम रहलत पे मदीना तैयबा की गलियों में, मदीना के माहौल में, मस्जिद नबी के माहौल में, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द अरब के माहौल में अगर किसी ने झंडियां लहराई हो, किसी ने जश्न मनाया हो, किसी ने ढोल की थाप पे भंगड़े डाले हो, तो फिर मेरे भाइयों मैं भी इस बात को मानूंगा। सीरत कौंसिल इस बात को आगे बढ़ाएगी, तुम सबूत लेके आओ अल्लामा शफकत तुम्हारा झंडा पकड़ेगा, तुम सबूत लेके आओ इसहाक उस्मानी तुम्हारा परचम लहराएगा, तुम झंडा सबूत लेके आओ और मुनव्वर महमूदी सीरत कौंसिल को तुम्हारे सबूत कर देगा। अगर ऐसा नहीं है तुम शर्म कर लो, ऐसा नहीं है तुम हया कर लो, ऐसा नहीं है तुम नबूवत की इज्जत के साथ न खेलो, अगर ऐसा नहीं है तुम नबूवत के साथ धोखा क्यों करते हो? और फिर कहते हो आशिक रसूल है, क्या कहते हैं? आशिक रसूल है, ये आशिक है जिनको फातिमा का दुख भी भूल गया, ये आशिक है जिनको सिद्दीक के सदमे भूल गए, ये आशिक है जिनको उमर का गम भूल गया, ये आशिक है जिनको उस्मान की उस्मान का वो मदहोश होना भूल गया, ये वो लोग है कि जिनको बिलाल का सदमा भूल गया। ऐसा सदमा आया कि बिलाल मदीना से निकल के शाम चले गए। मैं जब अजान हुआ तो मेरे सामने किबला नमा मौजूद था, मैं कहता था महबूब के चेहरे को देख के अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब मैं महबूब नहीं रहा अजान किस तरह हुआ? ये बिलाल है, शाम चले गए। बहुत अरसे के बाद आए तो हसनैन करीमैन ने कहा आप चचा चले गए हो, वो अजान कौन सुनाएगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं कौन बुलंद करेगा? तो मेरे भाइयों आखिर हसनैन थे, नबी के नवासे थे, जन्नत के नौजवानों के सरदार थे, महबूब के लाडले थे, और ये कहा हुसैन भी मेरा है, अल हुसैन बिन्नी माना मिन अल हुसैन, हुसैन मेरा है मैं हुसैन से हूँ, अल हसन बिन्नी माना मिन अल हसन, हुसैन हसन मुझसे है मैं हसन से हूँ। वो टाली न गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बिलाल आगे बढ़ा रहीम यार खान वालो, उसने अशहदु अन्ना मोहम्मद का बेहोश हो गया। और ये हल्ले की एक प्लेट पे नबूवत को टिकट देके बुलाते हैं, भूख के मर जाओ, है कि नहीं ऐसा? कभी आपने जलसा नहीं देखा? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, सरकार आ रहे हैं। जहां सरकार गए थे, आप अगर हाजिर दिमाग मौजूद हैं
नबूवत बैतुल्ला से उठी, मस्जिद अक्सा तक गई। अल्लाह ने पूरी कायनात के अंबिया को जमा किया। यहाँ आदम भी मौजूद है, यहाँ नूह भी मौजूद है, यहाँ शीस भी मौजूद है, यहाँ ज़करिया भी मौजूद है, यहाँ यहया भी मौजूद है, यहाँ ईसा भी मौजूद है, यहाँ मूसा भी मौजूद है, यहाँ इस्माइल भी मौजूद है, यहाँ इसहाक भी मौजूद है, यहाँ शुएब भी मौजूद है। 124,000 अंबिया यहाँ पे जमा है। यहाँ दादा भी मौजूद है, यहाँ बाबा भी मौजूद है। जिब्राइल ने मुसल्ले पे खड़े हो आका का हाथ थामा और ला के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अरे वहां तो नबूवत भी मुसल्ले पे जा नहीं सकती। नारे आप नारे तकबीर जमीयत हजरत मौलाना हाफिज हुसैन अहमद साहेब, हाफिज हुसैन अहमद साहेब, नारे तकबीर तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जमीयत उलमाए इस्लाम के बुजुर्गों, मुमताज पार्लियामेंटेरियन और हमारे मोहसिन आजम सीरत काउंसिल के सबसे बड़े मोहसिन हजरत हाफिज साहब हैं। पिछले साल नामुसाद हालात में हजरत शेख ने इन नौजवानों के सर पे अपना दस्त रखा, ये काफिला बढ़ा और इस साल भी हजरत इंतहाई अलील हैं और आपका एक टांग जख्मी है। इस हालत के अंदर सीरत के काफिले में कराची से शामिल हुए और आगे बढ़ रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर ऐसे बुजुर्गों का साया कायम और दायम रखे और इंशाअल्लाह जब अकादमी अहले सुन्नत उलमाए देवबंद ने ये फैसला कर लिया कि हमने शिर्क और बिदअत का मुहासरा करना है, एक शहर की बुनियाद पे, एक डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे, एक सूबे की बुनियाद पे, एक मुल्क की बुनियाद पे, या दुनिया की बुनियाद पे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ उलमाए देवबंद का सैलाब वो सैलाब है, उलमाए देवबंद का काफिला वो काफिला है, उलमाए देवबंद के अंदर वो बलबला है, उलमाए देवबंद के अंदर वो ताकत है, उलमाए देवबंद के अंदर वो कुव्वत है, उलमाए देवबंद के अंदर वो हौसला है, उलमाए देवबंद के अंदर वो उलमाए देवबंद के अंदर वो हौसला है कि वो जिस तरफ बढ़े तो फिर बढ़ते चले गए, वो जिस तरफ जिस ताकत के अंदर गए तो उन्होंने ताकत करके अपने शिकार को दबोचा और उसके अंजाम तक पहुंचाया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने कायदीन की क़यादत पे, हम अपने बुजुर्गों की सियादत पे, अपने मशाइख की दुआओं के साथ आपका तआमुन शामिल हाल रहा, आपकी दुआएं हमारे साथ रही, आपने अपने तहज्जुद की नमाज पे हमारे लिए दुआएं करते रहे, तो हम सीरत के चर्चे, हम सूरत के चर्चे, हम पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आम कर देंगे। कहो इंशाअल्लाह। वुसअत दिल तो बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल तो बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना कम है। कहीं किरण न फूटे कहीं रोशनी ना हो, कहीं किरण न फूटे कहीं रोशनी ना हो, मेरे आका तेरा नाम अजाम न हो, सुबह न हो चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, दमकता रहे दमकती रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौके अबू ज़र, हमें भी अता हो वो शौके बिलाली। वआखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।